अब बच्चों आज हम वर्कशीट नंबर एक को डिस्कस करेंगे। यह वर्कशीट मैथमेटिक्स सब्जेक्ट पर बनाई गई है जो कि कक्षा सात के विद्यार्थियों के लिए बनाई गई है। यह वर्कशीट आज सितंबर 2020 की वर्कशीट है। यहाँ पर बच्चे को अपना नाम लिखना है और यहाँ पे कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। वर्कशीट का जो टॉपिक है उसका नाम है आंकड़े। आओ बच्चों वर्कशीट को पढ़ना शुरू करते हैं। आज माँ ने हम दोनों बहनों को कमरे की सफाई करने को कहा तो मैंने देखा छोटी बहन की सारी चीज़ें बॉक्स में अव्यवस्थित रखी थी, तो मैंने अपनी छोटी बहन से कहा, आओ देखे आपके बॉक्स में क्या क्या चीज़ें हैं, इन्हें गिनते हैं और एक सूची बनाते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पर एक चित्र दिखाया गया है जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ये क्या है? ये आंकड़े हैं। आओ अब आगे पढ़ते हैं। यहाँ देखिए यहाँ लिखा हुआ आंकड़े तथ्यों का एक संग्रह है, जैसे कि संख्या, शब्द, माप, अवलोकन या केवल चीज़ों का विवरण। ये बच्चों आंकड़े की परिभाषा दे रखी है कि आंकड़े क्या होते हैं। आंकड़े तथ्यों का एक संग्रह होते हैं, तथ्यों का एक कलेक्शन होते हैं जो कि संख्या, शब्द, माप, अवलोकन या केवल चीज़ों का विवरण रखते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे देख क्या लिखा हुआ। अरे वाह ये तो आंकड़े हैं। अब लड़की कहती है अरे वाह ये तो आंकड़े हैं। और यहाँ पे एक टेबल बना रखी है बच्चों, टेबल को देखते हैं। यहाँ पे क्रम संख्या 1 से 5 है और जो दूसरा जो कॉलम है उसमें लिखा वस्तुएं और तीसरे में गिनती। यानी जे ऊपर जो चित्र दे रखा था उसमें जो वस्तुएं है वो गिनती में कितनी है ये यहाँ पर दिया गया है। जैसे नंबर 1 वस्तुएं गेंद, तो गेंद को देखिए बच्चों गेंद काउंट में कितनी है। यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4 और 5, तो गेंद काउंट में कितनी है? तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 5, तो देखो जो गेंद की जो काउंटिंग है वो 5 है। ऐसे ही बैडमिंटन रैकेट, तो बैडमिंटन रैकेट यहाँ पर कितनी है? 4 है। तो यहाँ पे काउंट करते हैं कितनी है। यहाँ पर देखिए 1, 2, 3 और 4, तो बैडमिंटन रैकेट कितने हो गए? 4। तो यहाँ पे लिख दिया गिनती में 4। ऐसे ही खिलौना कितना है? खिलौना यहाँ पे 2 लिखे हुए हैं, तो यहाँ पे देखिए ये जो टेबल दे रखी थी इसमें खिलौने कितने हैं बच्चों? यहाँ पे खिलौने जो मुझे दिखाई दे रहे 1 और 2, तो कितने खिलौने हो गए यहाँ पर? 2। और नीचे भी कितना लिखा हुआ था? 2। ठीक है, अब गमले कितने? गमले यहाँ कितने हैं? 4 हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा एक गमला यहाँ पर है, 2, 3, 4, तो गमले की काउंटिंग कितनी हो गई? 4, मैंने यहाँ लिख दिया 4। और टोपी कितनी है? टोपी को देखिए बच्चों यहाँ पर आपको कैप दिखाई देगी, तो यहाँ पर एक कैप 1, 2 और 3, तो कैप का काउंट कितना बच्चों? यहाँ पर है 3। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये हमारा आंकड़ा हो गया कि मेरे पास इतनी सारी वस्तुएं थी, उन वस्तुओं की गिनती कितनी है। मेरे पास 5 वस्तुएं हैं, गेंद, बैडमिंटन रैकेट, खिलौना, गमले और टोपी, और उनकी काउंटिंग कितनी है वे? गेंद 5 गेंद है मेरे पास, बैडमिंटन रैकेट 4 हैं, खिलौने 2 हैं, गमले 4 हैं और टोपी 3 है। ठीक है, ये सभी को समझ में आ गया होगा। देखिए अब आगे लिखा हो आइए अभ्यास करें। अब हम अभ्यास करते हैं, आप इन्हें बढ़ते क्रम में लिखें। ये जो हमने जो डेटा ये जो बनाया है या आंकड़े जो बनाया है इसको क्या करना है, अब इनको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो बढ़ते हुए क्रम में क्या होता है? सबसे पहले छोटा नंबर आता है, फिर उसके बाद बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे सबसे लास्ट में सबसे बड़ा नंबर होता है। तो इसको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो बच्चों क्या हो जाएगा? सबसे पहले क्या आएगा? एक नंबर पे। तो बच्चों ये मैं क्रम संख्या आप अपने आप लिख लेना, तो 1 पे तो ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद कौन कौन सा है? ये 2 पे टोपी आ जाएगी, तीसरे पे आ जाएगा बैडमिंटन, चौथे पे आ जाएगा गमले और 5वें पे आ जाएगी गेंद। तो क्या है? बढ़ते हुए क्रम में सबसे पहले ये है खिलौना, फिर टोपी, फिर बैडमिंटन रैकेट, फिर गमले, उसके बाद गेंद। तो ये बढ़ते हुए क्रम में है। तो आप जब लिखोगे तो ऐसे लिखोगे 1 पे खिलौना, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5,
ऐसे बढ़ते हुए क्रम में लिखोगे तो एक पे क्या है यहाँ पर, खिलौना है, खिलौने दो है, ठीक है। दो पे क्या है यहाँ पर, दो पे टोपी है, टोपी कितनी है, तीन है। तो आप ऐसे इसको लिख लोगे तो बढ़ता हुआ क्रम होता है, ठीक है बच्चों। अब जो पर्सन संख्या दो है उसको पढ़ते हैं। उस वस्तु का नाम लिखिए जो सबसे अधिक बार है। बच्चों उस वस्तु का नाम लिखना है जो सबसे अधिक आई है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, हमें आप यहाँ पर गेंद दिखाई दे रही है जो सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा गेंद, ठीक है। इसका आंसर क्या है, गेंद, जो कि गिनती में 5 बार है, ठीक है बच्चों। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। उस वस्तु का नाम लिखिए जो सबसे कम बार है। अब सबसे कम बार कौन सी वस्तु है, सबसे काउंट में सबसे कम, तो मुझे क्या दिखाई दे, खिलौना दिखाई दे रहा है। तो सबसे कम क्या है, खिलौना, जो कि गिनती में 2 बारी है, ठीक है बच्चों। बस ये 3 प्रश्न थे, 3 प्रश्न के उत्तर आपको अपनी कॉपी या नोटबुक में लिखना है। तो बच्चों आज की वर्कशीट नंबर जो 1 है, जो कि कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए मैथ की वर्कशीट है। तो आज की वर्कशीट में बस इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।